से दूसरे हाँ। खाने बिल्कुल सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप डिनर अच्छा मेहमान आ गए तो फिर सही है। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। अच्छा अब दुल्हा दुल्हन आए हैं मगर वो भी खाली हाथ नहीं आए। अब जस्ट इमेजिन दुल्हा दुल्हन आए हालांकि तो वो फ्रूट बास्केट भी लेकर आए हैं दावत, और आइडिया है दूसरा कि वो मिठाई के बजाय चॉकलेट्स केक के बजाय चॉकलेट्स लेकर आए। ब्यूटीफुल। सो ये देखें ये दो आइडिया, क्योंकि जब भी दुल्हा दुल्हन किसी के भी घर दावत अटेंड करने जाएंगे सो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वो एक थैंक का एक जरिया है कि वो जब किसी के घर आए हैं दावत अटेंड करने तो वो अपने हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं, बास्केट का साइज भी उस हिसाब से रख सकते हैं, और या फिर चॉकलेट्स का, क्योंकि केक और मिठाई तो होती ही होती है। फिर वही शॉपर में मिठाई आती है या शॉपर में केक आता है। सो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि ये भी आइडियाज है मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो ये है छोटी छोटी सी चीजें, आप लोग इन कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। आ जाए आप लोग, अपनी दावत एंजॉय, आप अपनी दावत एंजॉय करें, मैं जरा इनसे गपशप लड़ाऊं। और मेरी भी शादी को हुए हुए बहुत साल हो गए, मैं भी बताऊंगी पहले, लेकिन आप बताइए जी कि बेस्ट दावत आपको। मैंने कहा ये मैं अब तक वाली जो मुझे बहुत पसंद है कि पहले कैरम बोर्ड चल रहा है और बोर्ड गेम्स हो रहे हैं, चाय का एक दौर चल रहा है, चाय का एक अलग, मतलब वो एक अलग ही दावत थी कि सिर्फ खाने पे नहीं आपने टाइम से आ जाना है और बारबेक्यू भी हो रहा है और अलग से और डिशेज भी, तो उसको अदनान ने इंजॉय बहुत किया था। मतलब बहुत अरसे बाद उनको ये सारी चीज़ें, बाइक चलाने को मिल गई बाहर या भाई मैं तो एक चक्कर लगा कर आ रहा हूँ गली का, तो ये वाली चीज़ें उसको मैंने बड़ा इंजॉय किया था।